से दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना और इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ उसके बाद क्या ओबीसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है ये मुसलमान की गली है? अगर ये मानसिकता बता करके वो विभेद पैदा करना चाहते हैं, कान खोल करके सुन ले, आपको जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए, जिनको रहना था उसमें हमें अपनी धार्मिक संस्कृति पूर्ण रूपेण से हम स्वतंत्र हैं। अगर भारत में रामनवमी जुलूस हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, और जब तथाकथित सेकुलर पार्टी के लोग और सेकुलर बातें कह कर के ये कहते हैं गांधी जमनी संस्कृति है, कौन सी गांधी जमनी संस्कृति? गांधी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है, कोई बता दे। अगर हुआ नहीं है, ये वही लोग हैं जो भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी हिजाब के नाम पर, कभी सीएए कानून के विरोध के नाम पर ये देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये बर्बाद और तबाह करने का नियत जिनके पास है वो जिन्ना के डीएनए वाले हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे जो हो, ये अब देश में नहीं चलने वाला है। और भारत में हमारी